सो गाइस, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला कि मेरा क्या प्रोसीजर रहता है प्लेलिस्ट बनाने का। जैसे कि आपको पता होगा, मैं एक रिकॉर्ड बॉक्स यूज़र हूँ, मैं रिकॉर्ड बॉक्स यूज़ करता हूँ, तो मैं उसमें किन किन चीज़ों को यूज़ करता हूँ, किन किन विंडो को यूज़ करता हूँ, जिससे मेरी प्लेलिस्ट है वो जल्दी बनती है और मेरा काम जल्दी हो जाता है। मैं यह इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इससे आपको भी पता लगे और आप भी इन सारे टूल्स को यूज़ कर सकें, इन विंडोज़ को यूज़ कर सकें, जिससे आपको भी इतनी दिक्कतें ना आए। बट गाइस, यदि आपको यहाँ नहीं पता कि आपको म्यूज़िक कहाँ से डाउनलोड करना है, कौन सी वेबसाइट है, तो मेरी यह वीडियो देख लीजिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया कहाँ से म्यूज़िक मैं सुनता हूँ और कहाँ से म्यूज़िक मैं डाउनलोड करता हूँ, तो इस वीडियो के बाद यह वीडियो जरूर देखिएगा। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे नेक्स्ट। स्वागत है आप इस वीडियो का, आपको देखने से आपको हेल्प मिलने वाली है। सो गाइस, तो आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है हमारा रिकॉर्ड बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के मोड देखने को मिलते हैं, तो जब भी मैं प्लेलिस्ट बनाता हूँ तो प्रेफर करता हूँ एक्सपोर्ट मोड। तो जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ कुछ तरह से हमें एक्सपोर्ट मोड देखने को मिलता है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम किस तरह से हमारा काम ईजी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास ये बहुत सारी प्लेलिस्ट है, अब प्लेलिस्ट में बहुत सारे सॉन्ग्स हैं और हमारे पास ये मेन प्लेलिस्ट है यहाँ पर, इसमें हमें सारे सॉन्ग ऐड करने हैं जो भी हमें अच्छे लगते हैं। तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा अनोइंग ये लगता है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है प्लेलिस्ट, अब यहाँ पर यह सॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ जाके मैं यहाँ से तो कर सकता हूँ, बट प्रॉब्लम क्या होती है, मैं यहाँ पर जाता हूँ, फिर मैं यहाँ पर जाऊँगा और फिर देखूँगा यहाँ पर प्लेलिस्ट है, फिर उसके यूँ करूँगा, फिर नीचे आऊँगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपके बहुत ज़्यादा प्लेलिस्ट होती जाएगी, उसमें जब आप सर्च करेंगे तो ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं ऑप्शन यूज़ करता हूँ। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्लेलिस्ट पैलेट करके, अभी इसे क्लिक करेंगे तो जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास विंडो ओपन हो चुकी है। बट आपकी ओपन ना हो तो यहाँ पर ही आपको दिख रहा है, इससे आप ओपन कर सकते हैं ऑन या ऑफ, ठीक है। तो मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलती है ब्लैंक प्लेलिस्ट, तो इसमें आप क्या करेंगे, जो भी आपकी मेन प्लेलिस्ट है वह यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा आपके पास मल्टीपल प्लेलिस्ट है, तो जैसे कि यहाँ पर चार प्लेलिस्ट है, इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आप और भी प्लेलिस्ट ऐड कर सकते हैं, मतलब 12 प्लेलिस्ट और ऐड कर सकते हैं। तो इसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लगा दूंगा। इसके अलावा जैसे कि मुझे यहाँ पर पूरा ऐसा ऑप्शन नहीं चाहिए तो मैं इसे ऑफ कर दूंगा इसे। तो जैसे कि यहाँ पर आपका नाम आ चुका है, अब आप कहीं भी जाएँ, जैसे कि यहाँ पर ऐसा कुछ पसंद आ रहा है तो यहाँ पर जाकर आप इसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ से इतना आ रहे हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। अब आपको बार बार यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा आपको देखना भी है तो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यह फीचर एक चीज में और काम आता है, जैसे कि यहाँ तो आपको इजी लग रहा है, जैसे कि हम यहाँ से जाके यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, बट कभी कभी क्या होता है, हमें सॉन्ग पसंद नहीं है तो हमें अरेंजमेंट चेंज करना पड़ता है। तो हम वापस यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर सॉन्ग को देखेंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे, अरेंजमेंट सही नहीं लगा तो फिर चेंज करेंगे। तो इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, यहीं पर रहते हुए आप यहीं से ही डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सॉन्ग का अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं। यह भी बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग आपके पास ऑप्शन है, इसे जरूर यूज़ कीजिएगा। इसके अलावा हम और किस चीज़ में टाइम बचा सकते हैं प्लेलिस्ट बनाते हुए, तो जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि आपकी प्लेलिस्ट है, बट आपको पता होगा कभी कभी आपके दिमाग में ऐसा सॉन्ग हो जाता है कि यहाँ भी सॉन्ग अच्छा लगेगा इस प्लेलिस्ट में, तो हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं। जैसे कि हमारी प्लेलिस्ट है तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ एक सॉन्ग अनहोली, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, तो जैसे कि आपको पता होगा जो यह सर्च बार है किस प्लेलिस्ट का है, सिर्फ इस प्लेलिस्ट के लिए सर्च करेगा सॉन्ग, बट आपको पता होगा यहाँ पर आगे सॉन्ग आपके नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कलेक्शन पर जाएंगे, तो कलेक्शन कहाँ पर है, तो जैसे कि इतनी सारी प्लेलिस्ट हमारे पास, हम फिर यहाँ पर जाएंगे कलेक्शन पर और यहाँ पर जाके इसे सर्च करेंगे, तब आपका सॉन्ग यहाँ पर या आएगा, ठीक है। बट हम क्या, जैसे कि आपको पता होगा, फिर आप यहाँ पर जाएंगे, फिर आप बहुत सारी प्लेलिस्ट जमाएंगे, फिर आप ऊपर जाएंगे यदि आपको सर्च करना होगा, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर एक सब विंडो करके हमारे पास विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो सब विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, जैसे कि यह हमारी पूरी प्लेलिस्ट है, तो आपको प्लेलिस्ट पर नहीं रखना है, आपको कलेक्शन पर रखना है, और इसके बाद क्या करेंगे, इसे आप ऑफ कर देंगे और यहाँ पर जाके क्या करेंगे, आप सर्च करेंगे। तो मैं पेस्ट कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर देखेंगे तो यहीं से ही आप क्या करेंगे, यहाँ पर यह सॉन्ग आ चुका है, तो यहाँ से आप इसे पेस्ट कर देंगे। तो जैसे देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर सॉन्ग आ चुका है। तो इस तरह से आप इस सब ब्राउजर है इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हम क्या चीज़ें एडवांस कर सकते हैं प्लेलिस्ट बनाते वक्त, तो जैसे कि कई बार तो आपको पता होते हैं सॉन्ग प्लेलिस्ट बनाते वक्त, तो आप क्या करते हैं, उस सॉन्ग को सर्च करके आप यहाँ पर आपके प्लेलिस्ट पर ऐड कर लेते हैं। बट कई बार ऐसा होता है आपके सॉफ्टवेयर में तो सॉन्ग होते हैं, बट आपको पता नहीं होते कि यह सॉन्ग भी इससे मैच करेगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप रिलेटेड विंडो है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास विंडो आती है, ओपन होती है डिस्प्ले रिलेटेड ट्रैक विंडो, तो इससे आप बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं। मुझे पता है कई डीजेस को बहुत प्रॉब्लम है कि यहाँ पर कोई रिलेटेड ट्रैक नहीं आते, बट इसमें आपको सेटिंग करनी पड़ती है, तो मैंने उस वीडियो में बहुत ज़्यादा
डिटेल में बताया, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टैग भी कर दूंगा, बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इसमें आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पर जाएंगे तो आपको VPN सही रखना पड़ेगा, की सही रखनी पड़ेगी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं और यहाँ पर ओके करेंगे। इसके अलावा आपको एक सेटिंग और करनी है, यहाँ पर जाना है आपको और यहाँ पर आप देखेंगे तो कलेक्शन और प्लेलिस्ट आपको दोनों को सही करना है। जैसे कि यहाँ पर कलेक्शन है तो कलेक्शन में सॉन्ग सर्च करने, तो आप यहाँ कलेक्शन में क्लिक कर सकते हैं, या आपको स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पे, जैसे कि आप हिप हॉप सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सिर्फ हिप हॉप की प्लेलिस्ट पर ही यहाँ पर चेक करेंगे। उसके अलावा ये सारी चीज़ ऑफ कर देंगे, कलेक्शन भी ऑफ कर देंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पर ही आप सर्च करेंगे, सॉन्ग आपके रिलेटेड सॉन्ग आएंगे, तो इस तरह से चीज़ आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि जो आपके रिलेटेड ट्रैक आए वो VPN वाइज आए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और VPN पर क्लिक करेंगे, की वाइज चाहते हैं तो यहाँ पर दूसरा करेंगे, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आपका यह है इसके रिलेटेड में आए तो यहाँ से कर सकते हैं, या आपका कोई सॉन्ग मास्टर पर है तो आप यहाँ पर जाएंगे तो उसके रिलेटेड आएंगे। ए बी सेक्शन मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है उस वीडियो में, तो उस वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा यदि आपको इस टॉपिक के अराउंड डिटेल में जानना है। तो मुझे लगता है यह सारी चीज़ें करके आप अपना बहुत तक टाइम बचा सकते हैं और जो आपकी प्लेलिस्ट है उसे भी आप अच्छी बना सकते हैं। सो गाइस, मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया मुझे लगता है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और गाइस ऐसी वीडियो में बहुत टाइम लगता है, जो भी आपका फ्रेंड है उन्हें वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, इससे उसे भी हेल्प मिलेगी, जो चल रही है वह भी ज्यादा होगी। इसके अलावा ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।